देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, इफ 1/7 ऑफ अ नंबर एक्सीड इट्स 11 पार्ट बाय 100 देन द नंबर इज, ठीक है, हमें यहाँ पे कोई नंबर दे दिया गया, उसका जो 1/7 है वो उसके 11 पार्ट से कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है, ठीक है, तो हमें वो नंबर फाइंड करना है। सो हमें वो नंबर पता नहीं, सो मान लेते हैं वो जो नंबर है वो है x, ठीक है, वो नंबर है x। तो यहाँ पे 1/7 ऑफ x इज इक्वल टू, उसके नंबर का कितना 11 पार्ट से 100 ज्यादा है, ठीक है, सो x का 11 पार्ट उससे 100 ज्यादा है, मतलब 100 प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो इसे x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो x बाय 7 इज इक्वल टू x बाय 11 प्लस 100, ठीक है, इसे इस साइड ले लेते हैं, सो x बाय 7 माइनस x बाय 11 इज इक्वल टू 100, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, सो एलसीएम निकल के आता है 77, ठीक है, यहाँ पे 77 करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7 से, ठीक है, सो देखिए, सो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा 100 x माइनस 7 x डिवाइड बाय 77 इज इक्वल टू 100, ठीक है, सो 100 x सॉरी 11 x माइनस 7 x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 4 x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 77, सो 7700, ठीक है, सो 4 से डिवाइड कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 7700 डिवाइड बाय कर लेते हैं 4, सो हमारा x जो निकल के आ गया 1925, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको इजी करना हो तो आप इसे सबसे पहले इस तरह से करना है, 4x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 77, अब इस 4 को यहाँ पे ले लेना है, ठीक है, डिवाइड में, सो 4 इसे काट देंगे, सो 25 मल्टीप्लाई बाय 77 करेंगे, सो 1925 जो है हमारा आंसर निकल के आ गया, सो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।